गुड मॉर्निंग बच्चों, मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट तुम लोग अपना लिखो। मॉलिक्यूलर मास एंड मोल कॉन्सेप्ट। मॉलिक्यूलर मास अपन कहते किसको हैं, तो मॉलिक्यूलर मास क्या कहते हैं कि जैसे रिलेटिव एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एलिमेंट का, वो उसका मॉलिक्यूलर मास हो जाता है। और रिलेटिव मास अपन किसके कंपैरिजन में लेते हैं, तो वो अपन क्या कहते हैं कार्बन के रिस्पेक्ट में जब अपन किसी कंपोनेंट के या किसी एलिमेंट के मासेस को अपन इंट्रोड्यूस करते हैं, उसी को अपन यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास के नाम से जानेंगे। ठीक है, इसके अंदर कह रखा है कि द कॉन्सेप्ट कैन बी एक्सटेंडेड टू कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मासेस। द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ सब्सटेंस इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द सब्सटेंस। इट इज़ देयरफॉर द रिलेटिव मास ऑफ मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन एटॉमिक मास यूनिट, इसको AMU से अपन रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें अपन कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो इसमें जैसे फर्स्ट नंबर आपको एक एग्जांपल दे रखा है, कैलकुलेट द रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर H2O। ठीक है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3। इसको अपन यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं कि जैसे अगर अपन H2O का मॉलिक्यूलर मास अपन से अगर कोई पूछता है तो अपन उसको कैसे फाइंड आउट करके बताते हैं। तो जैसे हमने एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन को कहा, तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन 1, ऑक्सीजन का 16। सो द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर विच कंटेन्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, है ना, विच इज़ 2 × 1 अपन हाइड्रोजन के लिए ले लिए प्लस 1 × 16 ऑक्सीजन के लिए, दोनों को ऐड किया, ये 18U हो गया। सेकेंड नंबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3, तो इसमें अपन कहते हैं कि एटॉमिक मास ऑफ H प्लस एटॉमिक मास ऑफ N3। ठीक है, तो 3 × अपन यहाँ से कहेंगे एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, मतलब कि यहाँ पे हाइड्रोजन के 1 मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन के 1 मॉलिक्यूल एंड ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ से अपन कह सकते हो कि जिसके अंदर अपन 1 प्लस नाइट्रोजन के 14 प्लस ऑक्सीजन के 16 एक के होते हैं, और इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे अपन को 48 हो जाएगा, इसी को अपन 63U कह देंगे, सबको ऐड कर लिए। ठीक है, तो 1 + 14 + 48 ये अपन को 63U हो जाएगा, जो कि अपन को एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास ऑफ द HNO3 हो गया, हाइड्रोजन नाइट्रेट के लिए अपन इसको कहते हैं। ठीक है, अब अपन को कहता है फॉर्मूला मास यूनिट कैसे अपन फाइंड आउट करते हैं। तो फॉर्मूला मास कहते हैं कि जो भी कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन अगर सब्सटेंस करता है तो उसका अपना खुद का एटॉमिक रिएक्शंस के थ्रू एक अपन फॉर्मूला को क्रिएट करता है, जिसमें वो एक कंपाउंड फॉर्म करता है। उस कंपाउंड का अपन क्या करते हैं, अलग अलग पार्टिकल्स जो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को अलग अलग मासेस होंगे, उन सभी मासेस को अपन निकाल करके उसको ऐड कर लेंगे, वही अपना फॉर्मूला मास हो जाएगा। जैसे फॉर्मूला यूनिट मास इज कैलकुलेटेड इन द सेम मैनर एज वी कैलकुलेटेड द मॉलिक्यूलर मास। द ओनली डिफरेंस इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी यूज द वर्ड फॉर्मूला यूनिट फॉर दोज सब्सटेंस हुज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल साइंस। फॉर एग्जाम्पल सोडियम क्लोराइड, ठीक है, सोडियम क्लोराइड अपन NaCl कहते हैं, Na सोडियम 23 होते हैं और क्लोरीन 35.5 होता है, तो इसमें दोनों के 1-1 मॉलिक्यूल हैं, तो सोडियम के 1 है तो 23 × 1 प्लस क्लोरीन के 1 मॉलिक्यूल है तो 35.5, ठीक है, इसको अपन इंटू करेंगे तो ये अपन को टोटल ऐड करके 58.5U अपन को कैलकुलेट होकर के आ गया। तो ये सेम चीज़ें हैं जो अपन मॉलिक्यूलर मास में करते थे, वही चीज़ें अपन फॉर्मूला मास के अंदर भी कहते हैं। इसमें एक क्वेश्चन और है, कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ CaCl2। तो कैल्शियम के यहाँ पे 1 मॉलिक्यूल है तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है 40 और क्लोरीन का होता है 735.5। यहाँ पे क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, तो अपन इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये अपने को 71 हो गया, 40 + 70 वो इसको अपन ऐड कर लिए, ये अपन को 111U आ गया। ठीक है, इसी तरीके से फिर आपको क्वेश्चन दे दिया, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मासेस ऑफ H2O2 Cl2 CO2 CH4 C2H6 है ना C2H4 NH3 CH3 OH। कैलकुलेट द फॉर्मूला यूनिट मास ऑफ ZnO Na2O K2CO3। गिवन एटॉमिक मासेस ऑफ Zn, जैसे अपन को 65U दे रखा है, सोडियम का दे रखा है आपको, ठीक है, उसके बाद पोटासियम का दे रखा है, कार्बन का दे रखा है,
है ना, ऑक्सीजन का दे रखा है, इस तरीके से अपन को नंबर ऑफ एटम्स के दे रखे हैं। तो आप बच्चों इसके सारे एटॉमिक मासेस ये सारे कैलकुलेट करके रखना, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम आए तो उसको डॉट क्लास में आकर के पूछो, ठीक है, ओके।